बिना शादी के एक साथ रुकने पर पाबंदी। बीआरपी ने जैसी तमाम गैर इस्लामी रिवाजों के रोक टोक पर भड़का डेनमार्क, ले सकता है फैसला। जनता ने खोल दी पोल। कतर में दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा वर्ल्ड कप चल रहा है। वर्ल्ड कप के आयोजन को लेकर ही कई वेस्टर्न देश पहले ही आपत्ति जता चुके हैं। कतर में विश्व कप में आने वाले फैंस के लिए नियमों पर भी खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। जैसा कि आप जानते हैं, कतर में पब्लिक स्पेस में बियर या शराब पीने की मनाही है। ऐसा करने पर 6 महीने तक की जेल या $800 यानी करीब 65,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। शराब की तस्करी करने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है। वर्ल्ड कप शुरू होने से ठीक 2 दिन पहले कतर ने ऐलान किया कि मैच के दौरान रेगुलर फैंस स्टेडियम में बियर नहीं पी सकेंगे। स्टेडियम के बाहर से स्पेशल वर्ल्ड कप गैदरिंग स्पेस लाइसेंस प्राप्त रेस्टोरेंट, बार और होटलों में ही पी सकेंगे। कतर आयोजकों के मुताबिक कतर के कई इलाकों में पब्लिक प्लेस पर ड्रेस कोड चाहिए। यहाँ पुरुष और महिला दोनों का कंधा, सीना, पेट और घुटना ढका होना चाहिए। टाइट लेगिंग एक लंबी शर्ट या ड्रेस से ढकी होनी चाहिए। कतर में समलैंगिकता अपराध है। यदि कोई भी समलैंगिक एक्टिविटी करता पाया जाता है तो उसे 7 साल तक की जेल हो सकती है। अविवाहित फैंस को अपनी दोस्त के साथ संबंध बनाने पर 7 साल की जेल हो सकती है। साथ ही पब्लिक प्लेस में भद्दे या अश्लील इशारे करने पर जुर्माना या 6 महीने की कैद हो सकती है। कतर में अविवाहित जोड़ों के बीच शारीरिक संबंध बनाने की अनुमति नहीं है। अविवाहित जोड़ों को होटल के कमरे साझा करने की भी मनाही है। इन गैर इस्लामी नियमों का विरोध डेनमार्क फुटबॉल एसोसिएशन ने किया है। डेनमार्क फुटबॉल एसोसिएशन ने कतर के फीफा वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं बनने पर विचार विमर्श कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डेनमार्क फुटबॉल एसोसिएशन आम बैंड को बैन करने के कतर के फैसले का विरोध किया है। जनता ने डेनमार्क के विरोध करने पर 2 टुक कहा कि यही फुटबॉल एसोसिएशन और डेनिश खिलाड़ी तब कहां चले गए थे जब डेनमार्क सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के निकाब, बुरका या हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई थी। कुछ साल पहले मुस्लिम महिलाओं के पहनावे पर बनाए कानून का विरोध डेनिश फुटबॉल एसोसिएशन ने क्यों नहीं किया? कुछ लोगों ने इसे डेनमार्क का दोगलापन बताया है। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, उनको जाने दीजिए, हम उनके बिना भी विश्व कप के आयोजन को जारी रख सकते हैं। एक अन्य ट्विटर यूजर ने कहा, डेनमार्क कृपया अपनी आदत के मुताबिक प्लीज वापस चले जाओ। एक और ट्विटर यूजर ने लिखा, इस्लाम के लिए उनके मन में जो नफरत है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन अल्लाह का दीन इस्लाम नफरत करने वालों की तुलना में और ज्यादा उभर कर आता है। एक और शख्स ने इस संबंध में कहा, डेनमार्क ने भी हिजाब पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा है और वो सामूहिक रूप से मुस्लिम शरणार्थियों को डिपोर्ट कर रहा है। आपको बता दें, विश्व कप से पहले 7 देशों ने फीफा को पत्र लिखकर टूर्नामेंट के दौरान LGBTQIA+ अधिकारियों के समर्थन में अपने कप्तानों को वन लव कहते हुए आर्म बैंड पहनने की अपनी इच्छा स्पष्ट करने के लिए लिखा। पिछले सोमवार को ईरान के खिलाफ इंग्लैंड के पहले मैच में भी इस पर चेतावनी दी गई थी। फीफा ने दावा किया कि आर्म बैंड पहनने वाले किसी भी खिलाड़ी को बुक किया जाएगा या संभावित रूप से कठोर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर वायरल न्यूज आप तक पहुंचती रहे।